तुहानू मिर्चा की सब्जी बनानी दसांगे। ये असी 200 ग्राम मिर्चा लईआं ने, आ देखिए मिर्चा असी थोड़ी मोटियां लैनी है, असी पतलियां मिर्चा का नहीं। ये असी ऑयल लिता है, थोड़ा जिहा दही, बेसन, जवैन, जीरा, हिंग, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला ते हल्दी पाउडर। असी इहदी मिर्चां दीआं डंडियां उतार लांगे, सारियां मिर्चां दीआं असी डंडियां उतार लांगे ते विच असी इहनां नूं चीरे दे लांगे इदां करके। सारियां मिर्चां नूं असी इदां ही चीरे दे के रख लैणांगे। आ देखो जी मिर्चां नूं असी सारियां नूं चीरे दे के रख लिया जी। ते हुण असी मिर्चां दे विच अद्धा चमचा असी नमक दा लिया जी, ते अद्धा चमचा मिर्च दा, अद्धा चमचा मसाले दा। असी इहनां नूं मिक्स करके हल्का हल्का मसाला मिर्चां च पा देंगे। सारियां मिर्चां दे विच असी इदां ही मसाला पा देना जी, हल्का हल्का मसाला भरना है। देखो मसाला असी माड़ा माड़ा ही पाउणा विच, विचां च ज़्यादा मसाला नहीं भरना इहदे विच। सारियां मिर्चां नूं असी इदां ही भर के रख लांगे। इहदे नाल मिर्चां जिहड़ियां बड़ियां स्वाद पाउंदियां ने। ते इह सब्जी जद मर्जी सानूं कोई सब्जी ना लभे आपां जद वी कदी मिर्चां दी सब्जी बना के खा सकदे हां, ये बड़िया ही स्वाद पाउंदियां ने। देखिए असी सारा मसाला इदां भर लिया जी। असी चुल्हे ते कढ़ाई ही रख दित्ती हुई है। असी हुण इहदे विच पहला बेसन जिहड़ा लिया सी असी पा देंगे और बेसन नूं थोड़ा जिहा भुन लेंगे। बेसन नूं भुनना बड़ा जरूरी है, नहीं तो बेसन का जिहड़ा कच्चा कच्चा स्वाद मूँह च आएगा जब असी इहनूं मिर्चां च पाओगे। साडे चुल्हे की लौ थोड़ी ज़्यादा ही है, बेसन नूं हल्का जिहा भुनना है, असी ज़्यादा इहनूं लाल नहीं करना है ना। देखो जी साडा बेसन जिहड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो असी इहनूं कढ़ाई नूं थल्ले ला लाँगे ते बेसन एक प्लेट च कढ लाँगे। देखो असी एक प्लेट च कढ लाँगे। बेसन असी कढ़ाई विच हुण पहला तेल पा देंगे। कढ़ाई असी उत्ते फिर रखती है चुल्हे ते, उहदे विच असी थोड़ा जिहा तेल पा देंगे। तुसीं एक वड्डा चमचा लै सकदे जी। आ वेखो असी तेल पाता जी, तेल साडा नाल ही चुल्हे की लो थोड़ी ज़्यादा है, इस करके तेल साडा छेती ही गर्म हो चुका हो गया है। असी इहदे विच जीरा, जवैन, थोड़ी जी जिहड़ी असी हिंग लई सी वह भी पाती विच, ते जिहड़ियां असी मिर्चां आपां भर के रखियां सी उह भी इहदे विच पा देंगे। सत अठ वारी असी दही लावांगे जिहड़े साडे कोल मिर्चां यानी कि फ्राई हो जाए। चुल्हे की लौ थोड़ी घट ही रखनी है, ज़्यादा तेज नहीं करनी है, नहीं तो मिर्चा जिहड़ियां साडियां कालियां हो जांदियां। जिहड़ियां मिर्चां थोड़ियां थोड़ियां फ्राई होनी शुरू हो गई, तो आपां थोड़ी जी लक्कड़ नूं थोड़ी जी बाहर कढ लाँगे क्योंकि इहदी लौ जिहड़ी सानूं ज़्यादा नहीं चाहीदी। इहदे विच असीं हुण जिहड़े असीं बेसन भुन के रखिया सी उह पा लाँगे ते असीं इहनूं हिलावांगे अच्छे नाल। चंगी तरह असीं इहनूं मिक्स मिक्स कर देणा।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਲਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਲੂਣ ਦਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4-5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਬੇਸਣ ਦਾ ਮਸਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦਹੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਦਹੀਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਚਮਚੇ ਲਏ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ਬੇਸਣ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਕਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੜਾਹੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਮਿਰਚਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।